रीवा से। रीवा में आज विंध्य क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने एकत्रित होकर अगस्त क्रांति की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा, बेरोजगारी सहित अन्य कई मुद्दों की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला है, जिसके बाद युवाओं के द्वारा कलेक्टर को पत्र सौंपा गया, जिसमें युवाओं ने अपनी मांग को प्रमुखता के साथ रखा है। बताया जा रहा है कि युवाओं ने स्वयं से इस क्रांति का आगाज किया है, जिससे अन्य युवाओं को अपने मुद्दों के साथ जोड़ा जा सके। रक्षक जो उपकरण है, बगैर उनके आप किसी तरह से उनको काम नहीं करा सकते। उस आदमी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसको अथॉरिटी लेटर नहीं आता। उसमें पहला क्लास होता है कि जो मैन पावर होगा उसके जीवन रक्षक जो उपकरण है, बगैर उनके आप किसी तरह से उनको काम नहीं करा सकते। उस आदमी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसको अथॉरिटी लेटर। हमारी मांग है कि जिस तरह से बेतहाशा बेरोजगारी है और हर जगह बेरोजगार को रोजगार के नाम पे आउटसोर्स, जितने भी यहाँ शासकीय कार्यालय हों या शासकीय काम हों या जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है या ठेकेदार हों, हर जगह युवाओं को 6-7 हज़ार रुपये में रखा जाता है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको घर चलाना है, बच्चों को पालना है, वृद्ध माँ बाप की भी चिंता है। और इस परिस्थिति में अगर किसी को यहाँ रोजगार मिल भी जाता है, मिनिमम वेज नहीं दिए जाते, अगर किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो तो उनको किसी तरह से सुरक्षा सहायता नहीं दी जाती। आज से पूर्व में भी कई तरह के लोग मर गए बिजली विभाग में, कई अपाहिज हो गए और कई उद्योगों में इस तरह का हो रहा है। अभी आपने पिछले जुलाई महीने में एक बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी पवन तिवारी के बारे में सुना है, और आप सब ने, समाज के लोगों ने, यहाँ तक कि जो 50 और 100 रुपये तक सेविंग रखे थे उन्होंने मदद की, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक भी रुपये की मदद नहीं की है। हमारी पहली मांग तो यह है कि युवाओं को यहाँ लोकल जितने भी उद्योग हैं रोजगार मिले, पर रोजगार के साथ उनको सुरक्षा और सम्मान भी मिले, पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जिस दिन दुर्घटना हुई पवन तिवारी की, संबंधित कंपनी और संबंधित विभाग के लोग उसको छोड़ के भाग गए। पवन तिवारी का हस्ताक्षरित पत्र FIR के लिए नई गढ़ी थाने में दिया गया, लेकिन किसी पे भी आज तक FIR नहीं हुई। उसका बहुत बड़ा कारण है कि एक ट्रिक डिटेक्टिव कंपनी है, जिसकी मैनेजमेंट, जो मैनेजिंग डायरेक्टर की टीम है, 2000 करोड़ रुपए उन्होंने अपना ITR 100 किया है। जो 2000 करोड़ की कंपनी इस तरह का काम कर रही है और अपने पीड़ित कर्मचारी को मेडिकल सुविधा तक न दे, ये बहुत शर्म की बात है। तीसरा सवाल है कि यहाँ के प्रशासन के ऊपर क्या ऐसा दबाव है, क्या ऐसी परेशानी है कि पवन तिवारी के जीवन को बचाने के लिए, पवन तिवारी जैसे युवाओं को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन ट्रिक डिटेक्टिव जैसे मगरमच्छ को बचाने के लिए पूरा यहाँ का रीवा का तंत्र लगा हुआ है, जिस कारण से उस पर आज तक FIR नहीं। हमारी मांग है कि इस तरह आउटसोर्स जो लड़के हैं, जो प्राइवेट काम करते हैं, उनको जो एग्रीमेंट के हिसाब से और सेफ्टी नॉर्म के हिसाब से इक्विपमेंट है वो सारे प्रोवाइड कराए जाएँ। अगर कोई कंपनी, कोई ठेकेदार सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं देता, उसके ऊपर तत्काल FIR हो। और जितने भी दोषी, अब बात तो ये नहीं है कि दोषी कौन कौन थे, आज तक FIR ना होने के लिए जिन जिन आदमियों ने प्रयास किया कि FIR ना हो, संबंधित सभी के ऊपर FIR होनी चाहिए। नहीं, आज 9 अगस्त क्रांति है, 15 अगस्त को हर घर से